नमस्कार साथियों, वीडियो चैनल में फिर से आपका स्वागत है। मैं बैंक ऑफ बैंक के भाई साथियों, हर अपना जो आपको हम फ्रेशर करते हैं। आज हम पहुंचे हैं गांव जाटूसौना में, और जाटूसौना से जो प्रेजेंट सरपंच है वो है बहन संजोलिता जी। आज उनके प्रतिनिधि श्री मनोज जी हमारे साथ में प्रेजेंट है। आज हम मनोज जी से जानना चाहेंगे वो गाँव में किस किस प्रकार का विकास का विकल्प लेकर चल रहे हैं। मनोज जी, सबसे पहले तो मैं आपका और आपकी टीम का वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। प्रथम बार हमारे साथ प्रधान जी, गांव के विकास के लिए क्या क्या मेन प्राथमिकता लेके चल रहे हैं? सबसे पहले तो पूरे गांव को और क्षेत्रवासियों को मेरी तरफ से बड़ी मुबारकबाद। गांव के विकास के लिए भी हम शून्य से लेकर शिखर तक के सभी हमारे पास प्लान है, जिसमें गली पक्की करवाना, उनमें सीवर लाइन बिछवाना, गंदे पानी की निकासी का प्रबंध करना, जैसे अभी फिलहाल गंदे पानी की समस्या है। इसके अलावा भी स्ट्रीट लाइट वगैरह लगाना, CCTV लगाना, सब हमारे एजेंडे में है। मैं अपने गांव को किसी भी फील्ड में कमी महसूस नहीं होने दूंगा कि कोई भी क्षेत्र छुट्टा नहीं रहेगा जिसमें काम नहीं हुआ है। मेरा प्रबंध से आने वाले 5 साल में हम बेरोजगारी से लेकर एजुकेशन तक, स्वास्थ्य सेवा तक सभी में काम। सर, बेरोजगार साथियों के लिए भी शायद कोई आपने विकल्प चुना है, उस पर क्या काम करते हैं? एक छोटा लघु उद्योग है सर, जिसमें पूरे गांव के हमारे क्या है कि लेबर क्लास बहुत है मेरे गांव में, तो उनके लिए हम लघु उद्योग लगाना चाहते हैं, जिसमें रॉ मेटेरियल पंचायत प्रोवाइड करवाएगी और उनको हम काम देंगे, जिसमें बाहर के मुकाबले जो अभी प्राइवेट में नौकरी कर रहे हैं उनके मुकाबले हम ज़्यादा से ज़्यादा देंगे, तो उनके लिए हम रोजगार की सुविधा करेंगे, छोटा लघु उद्योग लगाएंगे। सर, युवाओं के लिए क्या विकल्प आपका? युवाओं की एजुकेशन के लिए सर हम लाइब्रेरी लगवाएंगे और जिम खोलने का विचार है, और इनके लिए खेल स्टेडियम का प्रस्ताव भी दिया हुआ है, जिसके लिए हमने जमीन भी गवर्नमेंट के पास ऑफर दिया हुआ है। 3.5 एकड़ जमीन हम देंगे पंचायत की तरफ से, तो अभी वो अंडर प्रोसेस है, तो खेल स्टेडियम। अच्छा, एक सर आपके जाटूसौना में पानी की जो मूलभूत सुविधा है, पीने के पानी की मेन प्रॉब्लम है, उस पर किस तरह से आप इम्प्लीमेंटिंग? पीने के पानी की प्रॉब्लम से पहले थी, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया नहीं पहले, तो गांव में लगभग 30% आदमी पेमेंट से पानी पी रहे थे, लेकिन फिलहाल उनके पास फ्री का पानी, मीठा पानी पहुँचा दिया गया है। और इसके अलावा भी अभी पब्लिक हेल्थ की तरफ से गांव में हर घर में लाइन बिछ गई है पानी की सप्लाई के लिए, तो हमारे प्लानिंग है पब्लिक हेल्थ में हम जैसे हमारे जो फिलहाल जो गांव की तरफ से दो दो ट्यूबवेल चलती है उनका कनेक्शन उनके साथ ज्वाइन कर देंगे, तो पानी की समस्या बिल्कुल जीरो हो जाएगी आने वाले 1 घंटे बाद। अच्छा, एक सर मेरा अंतिम क्वेश्चन, आपके गाँव में एक जोड़ है जो काफ़ी लंबे जोड़ एरिया में फैला हुआ है, लगभग 10-10 एकड़ में, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे, कुछ सौंदर्यकरण करने की बात आप कर रहे हैं? सर, जोड़ का जो ब्यूटिफिकेशन का काम है वो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, क्योंकि सर गांव में एंट्री करते हैं तो सबसे पहले जोड़ के पास ही रहते हैं, तो अगर गांव की एंट्री अगर आप लोग कभी आओगे तो अच्छी लगेगी, तो आपको प्राउड फील होगा, ये भी सोचोगे आपके अंदर जिज्ञासा भी होगी यार गाँव का एंट्री इतनी अच्छी है तो अंदर क्या मिलेगा। तो सबसे पहले उस जोड़ के हम छटाई करवाएंगे, साफ पानी से नहर से करवाएंगे, और गंदे पानी के उसमें एंट्री नहीं होने देंगे, मतलब उसके लिए अलग से व्यवस्था करेंगे, गांव के नाले पर पानी नहीं आने देंगे। उसके बाद में अंदर एक टापू बनाया हुआ है, तो पहले उसको और छोटा करके थोड़ा, और उसमें पार्क वगैरह बना के जोड़ की 4 दीवारी करवाएंगे, पक्की ट्रैक बनवाएंगे, और स्लोपिंग करवा के फुहारे वगैरह लगवा के, और 4 तरफ रनिंग ट्रैक होगा, और बोटिंग सिस्टम से ही हम टापू पर जा पाएंगे। इस टाइप का प्रोजेक्ट है जिससे ताकि पिकनिक स्पॉट बन जाएगा छोटा ना, जो वीकेंड में आस पास के गाँव के आ सकेंगे, बोटिंग का वगैरह सीखेंगे, फिशिंग का वगैरह सीखेंगे, उसको हम डेवलप करेंगे। हमें युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए सर? युवाओं के लिए मेरा एक सबसे मेन संदेश है कि सर आजकल एक बहुत बड़ी बीमारी है सर, मैं इसके खिलाफ भी हूँ, मेरे गाँव में मैंने एक मुहिम भी चलाई थी नशे से, सर मेरे को बढ़िया लगी, और मैं आजकल क्या है सर दारू का सुल्फा धाम का नशा जो करते हैं ना, तो मेरी अपनी गांव से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि नशे से दूर रहे, अपनी जिंदगी बर्बाद ना करें, पढ़ाई पर ध्यान दें और खेलों पर ध्यान दें, ताकि वो भविष्य में कई काम आएंगे। तो देखिए, ये भाई मनोज जी ने अपने एक हार्डली विचार चैनल के सामने रखे हैं कि गाँव में शून्य से लेकर के शिखर तक जितने भी विकास के कार्य है वो उनमें किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरतेंगे, सभी को पूरा कराने की कोशिश करेंगे।
मनोज भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका और आपकी टीम का भी एक बार फिर से मैं थैंक यू। आज तक के लिए इतना ही, बढ़ते कदम सच्चाई कदम, क्योंकि देश का सब दिखाते हैं, देखते रहिए।